गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक, निर्माण कार्यों को समयबद्ध ढंग से एवं गुणवत्ता युक्त पूरा करने के दिए निर्देश, कहा कृषक हित है सर्वोपरि। बासगांव सांसद की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक, शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कोरोना से बचाव के लिए गुरुवार को जिले में 59 बूथों पर लगाया गया टीका, इस बार किसी बूथ पर 100 तो किसी पर 125 स्वास्थ्य कर्मियों का किया गया वैक्सीनेशन। एम्स और ललित नारायण मिश्र रेलवे अस्पताल में पहली बार टीकाकरण की हुई शुरुआत, लगाई गई कोवैक्सीन। 4 फरवरी को इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा चौरी चौरा का शहीद स्मारक स्थल का नाम। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम, बंधु सिंह की प्रतिमा का भी होगा अनावरण। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है चौरी चौरा कांड। जिले में कुल 59 बूथों पर 4,812 लोगों का किया गया टीकाकरण। टीकाकरण में 1,982 पुरुष और 2,830 महिलाएं रही शामिल। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, वैक्सीनेशन का नहीं है कोई भी दुष्प्रभाव, पूरी तरह से है सुरक्षित। चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को गोला थाने की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। और गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले मात्र 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,367। अब तक 357 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 102 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि।